ये सीन देखने को मिलेंगे आज। हाँ तो ये मिलेंगे भाई। तो पूरा ही गया है ना, पूरा रास्ता ही खत्म कर दिया इसने तो। लद्दाख बना दिया है तो इनने, लद्दाख में पाया कि ऐसी ऐसी। और ये तो नया रोड बनाया था बिल्कुल। यो ऐसे पूरा पहाड़ था, फिर पहाड़ काट के रास्ता बना रखे। अच्छा तबाही। तो यो सीन है शिमला चंडीगढ़ रास्ते का, जो कि आधी लाइन तो बिल्कुल ये जो सड़क है या तो खत्म हो चुकी है आगे जाके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को तीज की हार्दिक बधाई है। आज तीज है और आज हम सोलन आए हैं, पूरी फैमिली हमारे साथ है। तो आज जटोली मंदिर आए हम। ये जटोली मंदिर सोलन का सबसे फेमस मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, हर रोज आते हैं, आप भीड़ लगी रहती है भाई। वैसे बाहर बारिश हो रही है तो उसके चलते मैं आपको दिखा नहीं सकता नीचे का, और वैसे भी फोटो अलाउड है नहीं, फोटो वीडियो अलाउड है नहीं। हाँ गिलास रखो तो, हमने भंडारा किया अभी। और बस काफ़ी खूबसूरत मंदिर है यार, काफ़ी टाइम लग गया हुआ इसको बनाने में सच्ची में। ये इकलौता सबसे बड़ा मंदिर है सोलन का, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। हम ना घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे तो हम आ गए हैं जटोली मंदिर। यहाँ पे हमने मज़ेदार भंडारा खाया जैसे कि आपने देखा है वीडियो में। हाँ, और आज के दिन ना हरियाली तीज के दिन हरियाणा में, हिमाचल का तो पता नहीं है, हमारे हरियाणा में होता है ना, खीर बनती है, पूड़े बनते हैं, झूले झूलाते हैं, झूले झूलते हैं बहुत लंबे लंबे पेड़ों पे, बहुत लंबे लंबे झूले झूलते हैं वहाँ पे, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पंजाब, पंजाब में क्या होता है? पंजाब में भी यही कुछ होता है, तीज तो तीज ही होती है। लंबे लंबे लेकिन यहाँ पे भंडारा मिलता है, हरियाणा में भंडारा नहीं मिलता। हरियाणा में भंडारा साल में 3-4 बार मिला है बस, तो यहाँ पे हर संडे को मिलता है मजेदार एकदम। वो मान लो 52 दिन, 1 साल के 52 दिन भंडारा में जाओ। कौन हम? भंडारा में मतलब पूरा साल जाओगे? नहीं ना, अब डर भी है यार लैंडस्लाइडिंग का, यहाँ पे खतरा रहता है। हमको शिमला भी जाना है। हाँ हमको शिमला भी जाना है, अब आज ही जाना है। सुबह जाना है, बारिश लग रही है बहुत ज्यादा। सुबह जावा? हाँ पेड़ गिर रहे हैं, पेड़ तो गिर रहे हैं, है ना कालू, पेड़ गिर रहे हैं ना, है ना। हमने काफी ज्यादा देर होगी तो भी जाना पड़ेगा भाई, करना है, घर पे चलते हैं अभी। इन बच्चे लाग रही थी यार। हाँ हाँ ऐसे ऐसे करे थे, ऐसे ऐसे हमारे बाल भी गिल्ले हो गए। अभी लास्ट ऑप्शन था यहाँ से निकलना, तो भी निकलना ही ठीक रहेगा भाई। सारे मेंबर आ गए भाई, सारे मेंबर आ गए। ये सीन देखने को मिलेंगे आज। हाँ तो ये मिलेंगे भाई, देखियो वाटरफॉल बन गया है तो सारा मलबा नीचे आ गया पानी। वो तो घर को भी रिस्क है यार, होटल या घर है क्या ये, है ना। हाँ वाटरफॉल बन गया अपने यहाँ, यो खतरा रहे हो भाई यहाँ पे। तो हमारे मेंबर गाड़ी में कम हो चुके हैं, हम सोलन छोड़े हैं उनने, और बारिश भी रुक गई थी तो इस चलते फिर हम सोचे कि भाई बारिश रुक गई तो शिमला जाना ही ठीक रहूँगा, टाइम से निकल लो, तो अभी निकल लिए हम टाइम से। बाकी हाल देख लो क्या हो रखा है, अच्छा है, बारिश रुकी हुई है
बारिश से पहले पहुंच जाएंगे हम शिमला। और जितने खूबसूरत सीन वहां दिख रहे हैं ना, उतने ही खतरनाक सीन यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो आगे और भी मिलेंगे, और ये जाम भी इसी की वजह से मिलेगा ज्यादातर। आनी देख बादल कितने बड़े बड़े। मॉनसून खतरनाक भी है सुंदर भी है। उस साइड बादल कितने खतरनाक होते हैं ना। पूरी सड़क ही खा गया या थी सड़क चौड़ी, जितनी हम चलन लग रहे ना इतनी उस साइड थी। आते वक्त बहुत परेशानी हुई थी भाई। यही तो है काम। हाँ यही थे। ये देखो सारा ही गया, पर उधर वो मस्त हो रहा है। ओ तेरी है, ये तो पूरा ही गया है ना। उठा दिया है वो पूरा आ गया भाई नीचे। यो खतरा भाई यहाँ पे मॉनसून में। कितने दिन चले गए वो भी नहीं पता है ना। इन दुकाना ने खतरा है। इतनी मेहनत करके तो ये ठीक करे थे, सड़क बनाई थी, अभी दोबारा देख लो क्या हल करती है। लद्दाख बना दिया है तो इनने, लद्दाख में पाया कर ऐसी ऐसी। और ये देखो नया रोड बनाया था बिल्कुल बिल्कुल कच्चा रोड का, क्या हाल कर दिया। बिल्कुल किनारा पे आ रहा है। हाँ तो बढ़िया होया बा उस दिन आप रुके नहीं, ठीक आगे रुक जाते तो मेरा लगता बाद में उल्टा ही शिमला जाना पड़ता। देखियो यार याड़े थे आप, याड़े से रुक रहे थे आप। देखियो थोड़ी देर दिखाने का खतरे उतरा हूँ भाई मैं। खतरा तो अलग ही मन्ने भी है, बाकी अभी बारिश रुकी हुई है तो ज़्यादा खतरा है नहीं। तो देख लो कितने बारी बारी बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सब गिरे हैं एकदम नू। और उस साइड इतने खूबसूरत हैं सीन को बयान नहीं कर सकते। तो यो सीन है शिमला चंडीगढ़ रास्ते का, जो कि आधी लाइन तो बिल्कुल ये जो सड़क है या तो ख़त्म हो चुकी है आगे जाके। खैर चलो अभी घर चलते हैं, शिमला में एंट्री करते हैं फिर दिखाता हूँ। यो ऐसे पूरा पहाड़ था, फिर पहाड़ काट के रास्ता बना रखे पहाड़ों के साथ, ऐसा होने लग रहा है तो पहाड़ तो करेंगे अपने साथ ऐसा। फायदा भी है नुकसान भी है।
साइड का क्या है सारा। फोन में तो ऐसा लगा है कितना सुंदर मौसम हो रहा है ना, कितना सुंदर नजारा है, लेकिन जिनने महसूस कर रखा है ना उनने नबेरा है कि कितना कितने ज्यादा पंगे हुए थे यहाँ पे पिछले दो तीन दिन। ये बड़ी बड़ी क्रेन लग रही है पहाड़ा ने ठीक कर अटान। अच्छा इतने बड़े बड़े पहाड़ वो सब आ गए भाई नीचे ये घर बेचारा तबाही। जिनके घर पहाड़ा की वजह से तबाह हो जाए उनने कुछ मिला है सरकार की तरफ से? अच्छा कंसेशन मिलते हैं कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे है ना, देते हैं क्योंकि अगला का तो भाई पूरा घर खत्म हो गया। वॉटरफॉल देखी हो या सारी दीवार जो बनाई थी आग खत्म कर दी तोड़ दी देखी हो सारी ये तोड़ रखी है। कारीगर तो पहला होया करते देख लो जो रेल की टनल बनाई आज तो टिक रही है वह है ना, कारीगर तो पहला होया करते। लंबा जाम लग गया भाई और धुंध भी काफी ज्यादा होगी अब तो। जाम लगना तो ना था, यो वो हाईवे है जहाँ डेढ़ घंटे में हम सोलन से शिमला पहुंच सका, लेकिन अब हमने ना दुगना टाइम लगेगा। पूरे 3 घंटे वहां पहुंचेंगे इस हिसाब से तो भाई वही पूरे 3 घंटे लग गए पहुंचने में है ना, 3 घंटे में फाइनली हम पहुंच गए। वही फिर जाम वगैरह था भाई थोड़ा बहुत उसमें टाइम लग गया, बाकी सिटी में यूज हुआ है लैंडस्लाइडिंग सिटी में बहुत कम हो गए क्योंकि घर बने हुए ना चारों तरफ। तो बस गाइस पहुंच गए थे हम घर पे और भाई सफर काफी रोमांचक रहा हमारा। भीड़ थी और भीड़ बोल रहा हूँ मैं, जाम था भाई और उस जाम के चलते काफ़ी लेट हो गए हम। 1.5 घंटे में हमें पहुँच जाना था लेकिन वही हमारा 3 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया, 1.5 घंटा वेस्ट हो गया हमारा। तो फिलहाल रात के 7:30 बजे और हम घर पे हैं और बस अभी कुछ करने को है नहीं तो सोचा वीडियो ही ख़त्म कर दूँ यार, क्योंकि अब काफ़ी लंबी हो गई जटोली मंदिर से स्टार्ट की थी और अब घर पे आ गए तो बस ख़त्म कर देनी चाहिए। अब रोटी राटी खाएंगे, संडे है आज तो मूवी वगैरह देखेंगे और ये थोड़ा सा पढ़ रहा है भाई स्कूल का प्रोजेक्ट खत्म कर रहा है, ये बंदा इंटेलिजेंट होने की कगार पे है। तो बस गाइस ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। आने वाले व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं, शिमला का मौसम इतना हसीन है क्या डिफरेंस देखना क्या अपनी शक्ल भी दिखाओ ना चले पहला मैं स्मार्ट था। तो बस गाइस खत्म करते हैं इस व्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की, राम 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 राम।